नमस्कार दोस्तों, मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड फंड के बारे में। क्या होता है ये फंड और किन लोगों को इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, यही सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हाइब्रिड फंड एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है, ठीक है। अब ये फंड क्या करता है कि अपने पैसों को अलग अलग असेट्स क्लास में इन्वेस्ट करता है। जब आप हाइब्रिड फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, दैट मीन्स आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट हो रहा है, आपका पैसा बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट हो रहा है, आपका पैसा गोल्ड में भी इन्वेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके की जो अलग अलग असेट्स क्लास है उसमें ये हाइब्रिड फंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब हाइब्रिड फंड के भी टाइप्स है। अगर आपने सुने होंगे बैलेंस फंड, तो बैलेंस फंड भी एक तरीके का हाइब्रिड फंड ही है। अब देखते हैं कि हाइब्रिड फंड के कौन कौन से टाइप्स है। तो हाइब्रिड फंड के जो टाइप्स है उसमें आता है कि एक आता है कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, फिर उसके बाद में कि बैलेंस हाइब्रिड फंड आता है, फिर उसके अंदर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। तो ये अलग अलग टाइप्स है, अब एक एक को समझते हैं। देखिए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का में क्या होता है कि 10% से लेकर तो 20 या 25% तक आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, बाकी सारा पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है, मतलब फिक्स टाइप की इनकम में इन्वेस्ट होता है। और बैलेंस हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि 40% से लेकर तो 60% तक आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, बाकी का डेट में इन्वेस्ट होता है। और जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है उसमें क्या होता है कि 60% से लेकर 80% तक आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है और बाकी पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है। तो इस तरह की अलग अलग कैटेगरी है हाइब्रिड फंड की। अब बात करते हैं सेफ्टी की। अब देखिए, हाइब्रिड फंड जो है वो प्योरली इक्विटी फंड के मुकाबले ज़्यादा सेफ है। प्योरली इक्विटी फंड में क्या होता है कि पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ में उसका भी रिस्क जुड़ा हुआ होता है। बट हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि 100% आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ पैसा आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, कुछ पैसा आपका डेट में इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए अगर सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो हाइब्रिड फंड ज़्यादा सेफ है प्योरली इक्विटी फंड के मुकाबले। बट अगेन, जहाँ पे रिस्क आता है रिटर्न भी वहीं पे आता है, ठीक है। अगर हाइब्रिड फंड में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम ही मिलेगा, इक्विटी फंड रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि किन लोगों को हाइब्रिड फंड में अपना पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में 4 या 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब 4 या 5 साल बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, शॉर्ट टर्म ही हुआ है, तो इस टाइम के लिए आप हाइब्रिड फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 4 या 5 साल में अगर स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा नहीं किया तो आप ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो हाइब्रिड फंड यहाँ पे आपको बचा सकता है, ठीक है। क्योंकि पूरा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में नहीं जाएगा, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में जाएगा, कुछ डेट में जाएगा। तो अगर आप 4 या 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हो तो आप हाइब्रिड फंड में डालिए। और जिन लोगों की एज 55 या 60 साल है और उस एज में अगर वो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हाइब्रिड फंड में ही इन्वेस्ट करिए। क्योंकि जनरली इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को ये बोलते हैं कि सर आप हमें रिटर्न थोड़ा सा भले ही कम दीजिए बट हमारी हार्ट बीट मत बढ़ाइए। तो अगर आप 55 और 60 साल की एज में हैं तो ज़रूर आपको वहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, प्योरली इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उस एज में। उस एज में थोड़ा सा सेफ आपको चलना चाहिए और हाइब्रिड फंड्स का आप सहारा ले सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप 30 या 35 साल की एज में हो, अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इक्विटी, प्योरली इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करिए, ठीक है। क्योंकि उस एज में अगर आपकी थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ भी गई तो आप सहन कर लोगे, बट 55 और 60 साल 65 साल की एज में अगर आप प्योरली इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो और अगर वहाँ पर आपकी हार्ट बीट बढ़ती है तो वो आपको अफेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिड फंड क्या होता है और किन लोगों को इस हाइब्रिड फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।